विवाद विवाद। जी हाँ, झगड़े झगड़े झगड़े। इंसान को जब बोलना चाहिए है तो थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जुबान से ज़्यादा तकलीफ कोई नहीं देता। जी हाँ, जुबान से जो बात निकलती है ना, वो सीधा दिल पर रखती है। और कभी कभार हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके ज़रिए हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, और हम कुछ बहुत गलत कह जाते हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो कुछ ऐसा ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त फराह खान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। पायल काफ़ी समय से विवादों में है और काफ़ी समय से वो बहुत कुछ ऐसा बोल रही हैं जिसके चलते वो चर्चा में है। लेकिन पायल ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते उन पर मुसीबत आ गिरी है। और हाँ, ये मुसीबत वाकई उन पर बहुत भारी भी पड़ने वाली है। अब वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान ने कोई निजी फैसला लिया है या कोई बात सामने रखी है तो वो उसका फैसला है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको उसमें अपनी राय जोड़नी चाहिए, और अगर आप राय जोड़ भी रहे हैं तो दूसरे इंसान के हालात को समझ के जोड़िए। लेकिन नहीं, पायल ने कुछ ऐसा ही किया। चलिए, पूरा माजरा क्या है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। आप इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए और ख़ुद देख लीजिए मैं कह क्या रही हूँ। पायल के खिलाफ मुंबई के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, आजकल पायल काफी विवादों में बनी हुई थी। पायल रोहतागी पर शिकायत जायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने के पोस्ट पर रिएक्ट करने की पर की गई है। और पूरी बात ये है कि पायल ने जायरा वसीम के फैसले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी और उसके चलते उन पर ये मुसीबत आ पड़ी है, और इसी पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की गई है। जी हाँ, शिकायत में कहा गया है कि पोस्ट गलत भावना से भरा हुआ है, जो कि काफ़ी गलत है। ये धार्मिक आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला है। इससे गलत चीज़ों को सहारा मिलेगा, इससे गलत चीज़ें सामने आएंगी और बयां होंगी। आपको बता दूं, 6 पन्नों की शिकायत को मुंबई के ओशवारा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर किशोर वी गायकर से पायल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। सीनियर इंस्पेक्टर किशोर वी गायकर ने कहा, हम पायल रोहतागी के खिलाफ शिकायत मिली है। हम लोग खत शिकायत खत में लिखी गई बातों को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, सच पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, इस पर पायल ने अपनी बात भी रखी। पायल ने कहा है कि मुझे पहले शिकायत की कॉपी पढ़नी होगी, उसके बाद ही मेरे वकील इस मामले पर कानूनी जवाब देगा। पायल रोहतागी ने जायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने के बाद पोस्ट किया था। जायरा वसीम का या तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है या फिर जबरदस्ती उसे ऐसा कराया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्या सही में मुस्लिम धर्म में लिंग असमानता है, या फिर सलमान खान, आमिर खान और बाकी सुपरस्टार्स अल्लाह के ज़्यादा करीब नहीं है? असल में जायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने के फैसले को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया सामने आई थी और पायल ने भी उन पर निशाना साध दिया है। जायरा ने अपनी चीज़ों को सामने रखते हुए लिखा था कि 5 साल पहले मैंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने बॉलीवुड में कदम रखा जिसने पॉपुलैरिटी के रास्ते में मेरे लिए खोल दिए। धीरे धीरे युवाओं के रोल मॉडल के तौर पर मुझे देखा जाने लगा। बॉलीवुड में 5 साल पूरे होने पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। मैं भले यहाँ फिट हो रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ की नहीं हूँ। ये मुझे मेरे ईमान से दूर कर रहा है। बस इसके चलते पायल ने इतनी बड़ी बात कह दी। फराह खान, नेक्स्ट नाइन न्यूज़। अब देखना ये होगा कि पायल की मुसीबतें कितनी बढ़ती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि हर किसी का अपना निजी फैसला होता है, जायरा को जो फैसला लेना था उन्होंने ले लिया। लेकिन पायल की इस टिप्पणी के बाद सच में जिस तरीके से उन्होंने वार किया है वो ठीक नहीं है, और इस तरह की बातों से कुछ गलत ही जाहिर होता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी, बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ।